हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पून ऑफ कलकत्ता। आज मैं आपके साथ पालंग पनीर नहीं बल्कि मुर्ग पालंग की एक डिलीशियस रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, विच विल गिव योर टेस्ट बड्स अ लिटिल डिफरेंट फ्लेवर एंड आई प्रॉमिस यू ऑल गोना लव दिस आफ्टर ट्राइंग। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। पहले हम 500 ग्राम मीट बोन चिकन को 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से अच्छे से कोट करके थोड़ी देर के लिए मैरिनेट कर लेंगे। और तब तक हम दो मीडियम साइज प्याज, एक मीडियम साइज टमाटर ,500 ग्राम्स पालंग थोड़ी सी धनिया पत्ता और 5 हरी मिर्च चॉप कर लेंगे। अब हम पैन में 1/2 कप सरसों का तेल गरम करके इसमें चॉप करा हुआ हरी मिर्च और 1 इंच दालचीनी, 3 लौंग और 2 इलायची डाल के 30 सेकंड तक इसे सॉट कर लेंगे टू गेट दी फ्लेवर्स। अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज फाइनली चॉप प्याज और इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज चॉप टमाटर और इसे भी 3 मिनट तक कुक कर लेंगे। नाउ आई ऐड 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर से सब कुछ 3 मिनट तक कुक कर लेंगे। अब हम इसमें सारे चिकन पीसेस डाल के मीडियम टू लो फ्लेम में पहले 5 मिनट, इसके बाद सारे पीसेस फ्लिप करके फिर से 5 मिनट के लिए इसे कुक होने देंगे। अब हम गैस का फ्लेम लो करके पैन को ढक के पहले 7 मिनट, इसके बाद फिर से फ्लिप करके ढक के दोबारा से 7 मिनट तक इसे पकाएंगे। मैंने ऐसे करके टोटल 25 मिनट्स तक चिकन को पका लिया है। नाउ फ्लिप देम वंस अगेन। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल के सब कुछ अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट तक इसे पकाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून दही और फिर से सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नाउ द मेन पार्ट इज टू ऐड 500 ग्राम चॉप्ड पालंग टू द पैन। ये अभी दिखने में शायद थोड़ा ज्यादा लग रहा है, पर 2 मिनट के अंदर पालंग नरम होकर बिल्कुल थोड़ा सा हो जाएगा। 500 ग्राम चिकन में 500 ग्राम पालंग इज मस्ट। अब पालंग अपने आप ही ढेर सारा पानी छोड़ता है, तो इसीलिए हमें चिकन में अलग से पानी ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ कुकिंग इन मीडियम फ्लेम हम इसमें 1/4 कप फाइनली चॉप धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। आप अगर कभी भी पालंग बना रहे हो तो हमेशा याद रखिएगा कि धनिया, कसौरी मेथी और काली मिर्च ये 3 स्टार इंग्रेडिएंट्स है जो पालंग के साथ बहुत ही अच्छे से जाता है। नाउ कुक एवरीथिंग फॉर अनदर 4 to 5 मिनट्स। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐड 1 टीस्पून ऑफ बटर एंड अ पिंच ऑफ काली मिर्च ऑन टॉप, मिक्स वेल एंड योर मुर्ग पालंग मसाला इज ऑल रेडी टू सर्व।
ये खाने में बिल्कुल ही डिफरेंट टेस्ट देता है एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू पेयर इट अप विद रोटीज एंड पराठास।